हेलो, नमस्ते एवरीवन। सो क्लास 8 स्टूडेंट्स, द टॉपिक नाउ इज स्क्वायर रूट्स ऑफ अदर नेचुरल नंबर बाय एस्टिमेशन। आई विल नॉट डू प्राइम फैक्टराइजेशन, आई विल नॉट गो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, आई विल नॉट डू एनीथिंग, ओनली आई विल एस्टिमेट। तो भाई एस्टिमेशन से कैसे निकल सकता है? निकल सकता है स्क्वायर रूट एस्टिमेशन से। और किस नंबर का? विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10। स्क्वायर रूट ऑफ 10, अब देखो सिंपल सा चीज, स्क्वायर रूट ऑफ 10 मुझे पूछा गया है, पर हम इसके आसपास का नंबर लेंगे। तो 10 के पहले क्या? 9। 9 का स्क्वायर रूट होता है, अगर नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, मैंने आपको टिल 10 सारे का बताया था, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और उसके बाद 4 जो है 16 होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये 9 का आ जाता है जो उसके बगल में है, और 4 आता है 16 का। ना ये 9 है ना ये 10 है, इसके आसपास की वैल्यूज को देखो। 10 के पहले 9 है, 9 का स्क्वायर रूट होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लो। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, मैंने अंडर रूट 9 ले लिया, यानी कि 3 ले लिया। 4 4 जा 16, तो ना ये 3 में आता है ना 4 में आता है, 10 नहीं आता, क्योंकि 3 का 9 आता है, इसका 16 आता है। यानी कि 3 स्क्वायर जो है ये स्मॉलर है 10 से, और 10 स्मॉलर है 4 स्क्वायर से, है ना, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है, छोटा हो गया, 10 से छोटा है, यानी कि 9 इज स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 4। पर क्योंकि मैं स्क्वायर्स की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इस नंबर पे नहीं आऊंगी, सॉरी ये नंबर यहाँ पे हो जाता है 16, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। मैं किस पे रुकूंगी? मैं यहीं पे रुकूंगी, आपको यहीं पे रुकना है। अब यानी कि ये जो नंबर है 10, इसका स्क्वायर रूट 3 और 4 के बीच में आता है, इट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में एक नंबर हम लेते हैं, जैसे 3.5, भाई 3.5 का स्क्वायर करते हैं, तो 3.5 का स्क्वायर आ रहा है 12.25, ये मुझे याद है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते। तो 12.25 बड़ा हो गया ना 10 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये इट इज लेस देन 3.5, लेस देन 3.5। तो चलो लेस देन 3.5 में वी आर टेकिंग अनदर नंबर 3.2, 3.2 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो इसका मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं कर ले रही हूं यहाँ पे 3, 2, 6, 3, 2, 6, ये आ रहा है 10.24। डेसिमल के बाद एक है, अभी पॉइंट डेसिमल के बाद एक है, तो आपको ये पता है कि डेसिमल के बाद अगर एक है तो मुझे जब स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए, इसलिए 10.24। ये भी बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, ये भी तो 10 से बड़ा है। तो हम चलिए एक और नंबर लेते हैं 3.1 स्क्वायर। अब जब मैं 3.1 स्क्वायर ले रही हूं तो ये कितना आता है भाई, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1, 3, 3 1 3, 3 3 9, 9 6 1, ये आ रहा है 9 6 1। लेकिन पॉइंट का डाला है, फिर पॉइंट के पीछे एक नंबर है, और हमें क्या करना होता है जब डेसिमल पुट करेंगे तो 2 नंबर, तो 1 2, ये तो छोटा हो गया। तो 9.61 इज लेस देन 10, विच इज लेस देन 10.24। क्यों? अगर 3.1 का ये है तो 3.2 का ये है, तो अब मुझे अप्रोक्सीमेशन, मतलब बिना स्क्वायर रूट निकाले किसी को बता रहा है, तो मैं 3.1 बोलू या 3.2 बोलो, यानी कि अगर मैं दिमाग में ऐसे रखती हूँ 3.2 और यहाँ 3.2, मैं 1 बोलू कि 2 बोलू कि अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट 10 का कितना आता है, उसके लिए हमें देखना है। यहां पर 3.2 जो है पॉइंट के बाद 24 बढ़ रहा है, खाली 24 बढ़ रहा है, यहां 61 कितना घट रहा है, तो 61 39 घटता है ना। 10 में से अगर माइनस करेंगे, 10 में से हम माइनस कर रहे हैं 9.61, तो आंसर 0.39, ये ज्यादा डिफरेंस है। और जबकि 10.24 में से अगर मैं 10 माइनस करती हूं तो ये 0.24, तो ज्यादा नजदीक क्या हुआ, 10.24 ज्यादा नजदीक ये हुआ। तो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट
ऑफ 10 इज 3.2 अप्रोक्सीमेट। हमने क्या किया, हमने कोई भी मेथड को अप्लाई नहीं किया, पर एक आंसर बता दिया अप्रोक्सीमेट 3.2। अब ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर लगभग सेम आ रहा है। देख लेते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड का, इसको हम वेरीफाई करेंगे स्क्वायर रूट निकाल के। 10 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 3 3 9 माइनस करिए 1 आया, ये 3 6, यहाँ पे 6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल डालेंगे ना, और जैसे ही हम डेसिमल डालेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 2 जीरो यहाँ आ जाता है, वो 0 नीचे उतर गया, ये हो गया 100। फिर हम 1 से डाल के देखते हैं, 1 से डाल के देखेंगे तो 61 into 1 61 माइनस कर लिए तो ये आ रहा है 39। फिर 2 जीरो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे क्योंकि मैंने क्या बोला, इसके बाद 0 ऑटोमेटिकली आते हैं, तो ये हो गया 63। अब 63 6 करके देखते हैं, 6 6 36, 3 6 18 19 20 21 2 6 36 37 38, वाओ चलो बहुत नियर में आ गया। तो क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 3.16 है, और 3.16 को जब हम राउंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3.2 होगा, ये मोर देन 5 है तो ये 2 हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट, वी आर वेरीफाइड। इसके साथ आपका चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आज खत्म हो जाता है। सो एंजॉय योर डे विथ योर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। बाय।